हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विनीता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 10 के हिंदी में पद्य खंड में पाठ 4 देख लेते हैं। पाठ का नाम है स्वदेशी। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। कविता का शीर्षक स्वदेशी शब्द अपने आप में सार्थक है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुलाम भारत की दुर्दशा और लोगों की सोच देखकर कवि आश्चर्य होकर कविता का शीर्षक स्वदेशी रखा है। कवि कहना चाहता है कि आजकल के सभी लोग पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर अपने आप को उसी सभ्यता में ढालते जा रहे हैं, जहां देखें वहां पर विदेशी सामान अर्थात बाजार विदेशी सामानों से भरा पड़ा है। जैसे लोग स्वदेशी सामान लेना भूल गए हों, लोग अपने आपको आधुनिक साबित करने के लिए पाश्चात्य संस्कृति अपनाते चले जा रहे हैं। सभी लोग पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं। लोग अपने आप को भारतीयता कहने में अपना अपमान समझते हैं। पाश्चात्य भाषा में लोग अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। अतः इन सब वाक्यों से पता चलता है कविता का शीर्षक स्वदेशी सार्थकता को प्रदर्शित करता है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि को भारत में भारतीयता क्यों दिखाई नहीं पड़ती। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। कवि को भारत में भारतीयता इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि यहाँ किसी भी भारतीय में भारतीय संस्कृति ही दिखाई नहीं पड़ती। सभी लोग पाश्चात्य सभ्यता में रंगे पड़े हैं। जहाँ देखें सभी लोग विदेशी वस्तुओं को अपना रहे हैं, उन्हें स्वदेशी वस्तुओं पर विश्वास नहीं रहा। सभी लोग को पाश्चात्य सभ्यता का बुखार लगा हुआ है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई। सभी लोग पश्चिमी सभ्यता के रहन सहन, पहनावा, खान पान, हाट बाजार एवं बोली भाषा को अपनाते जा रहे हैं। शहर हो या ग्रामीण, सभी लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सभी लोग दूसरी की संस्कृति अपनाते जा रहे हैं तथा अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसी कारण कवि को भारत में किसी के अंदर भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। कवि समाज में उस पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता को अपनाने एवं अपनी संस्कृति को भूलने वाले वर्ग की आलोचना करता है, क्योंकि भारत में एक समाज ऐसा भी उत्पन्न हो गया है जो पूरी तरह पश्चिमी सभ्यता में रम गया है, अंग्रेजी में बात करने में अपनी शान समझता है। ऐसे वर्ग विदेशी रहन सहन, ठाट बाट एवं अंग्रेजी की बोलचाल को अपने जीवन को अपनाना अपना विकास समझते हैं। हिंदुस्तानी कहलाना उन्हें संकोच एवं अपनी हीनता समझते हैं। वे अपनी संस्कृति को भुलाकर अपनी झूठी प्रशंसा करते हैं। अपनी मूल सभ्यता को त्याग कर पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि नगर में सभी लोग पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता की तरह उनकी रहन सहन, खान पान एवं पहनावा भी उसी तरह का हो गया है। लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। बाजार में सभी जगह विदेशी सामान भरा पड़ा है। लोग विदेशी सामान को खरीदने में अपनी शान समझते हैं, जिससे विदेशी कंपनियों को बहुत फायदा हो रहा है। ठीक इसके विपरीत बाजार में स्वदेशी सामान जैसे गायब ही हो गए हों। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। नेताओं के बारे में कवि कहता है कि आजकल के नेता में भी स्वदेश की भावना नहीं है। सभी पाश्चात्य संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। वे स्वदेशी पहनावे से परहेज करते हैं, क्योंकि आज के नेता से धोती नहीं संभलती। जो देश की वेशभूषा को धारण करने में असमर्थ है तो उनसे देश क्या संभलेगा, वे देश हित के बारे में क्या सोचेंगे। नेता देश की संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और पाश्चात्य वेशभूषा को धारण कर रहे हैं। वे देश की वेशभूषा अर्थात धोती पहनने में संकोच कर रहे हैं। उनके अंदर स्वदेश की भावना कहाँ से उत्पन्न होगी। आइए हम लोग छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि ने डेफाली किसे कहा और क्यों। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। कवि ने डेफाली उन लोगों को कहा जो पाश्चात्य सभ्यता के अधीन होते जा रहे हैं। वे लोग स्वदेश की संस्कृति भूलते जा रहे हैं। वे सभी पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर विदेशी रीति रिवाज अपना रहे हैं। उन्हें लोगों को कवि ने डेफाली कहा। वे लोग डेफाली की तरह विदेशी रीति रिवाज का राग अपना रहे हैं। आइए हम लोग सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं।
व्याख्या करें। इसमें क देख लेते हैं, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ पुस्तक के स्वदेशी शीर्षक पद से दत्त है। इसकी रचना प्रेम घन द्वारा की गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि लोग भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। लोगों की वेशभूषा, खान पान एवं रहन सहन में बदलाव आता जा रहा है। लोग पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। लोगों के अंदर से स्वदेश प्रेम की भावना कम होती जा रही है। सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को इस तरह अपना रहे हैं कि वे अपने आप को भारतीय कहने में संकोच महसूस करते हैं। लोगों के अंदर से भारतीयता समाप्त होती जा रही है। लोगों को देखने से कोई पहचान नहीं रहा है कि ये सब भारतीय है। हम लोग खुद देख लेते हैं, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ पुस्तक के स्वदेशी पाठ से उद्धत है। यह कवि प्रेम घन जी द्वारा रचित है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि लोगों के अंदर से स्वदेश की भावना समाप्त होती जा रही है। लोग विदेशी भाषा अंग्रेजी को बोलने में अपनी शान समझते हैं। दस स्वदेशी सामान के प्रति भी लगाव समाप्त हो गया है। वे विदेशी सामान को खरीदने में अपनी शान समझते हैं। आइए हम लोग दसवां क्वेश्चन देखें। स्वदेशी के दोहे राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत है, कैसे हम लोग स्पष्ट कीजिए। हम लोग उत्तर देख रहे, स्वदेशी के दोहे राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत है क्योंकि कवि इनमें स्वदेश की भावना को अंदर जगाने का प्रयास किया है। हमारी संस्कृति धीरे धीरे विलोपन की तरफ बढ़ रही है क्योंकि सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। जहाँ देखो बाजार में विदेशी सामान ही दिखाई दे रहे हैं और लोग विदेशी सामान के तेजी से खरीद रहे हैं जिससे विदेशी कंपनियों को फायदा हो रहा है। इसके विपरीत कोई भी स्वदेशी सामान नहीं खरीदना चाहता जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा है। लोग विदेशी सामान खरीदने में अपनी शान समझते हैं। इससे कवि को बहुत ही दुख होता है। इसके साथ साथ नगर हो या ग्रामीण, हिंदू हो या मुस्लिम, सभी लोग पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। विदेश खान पान वेशभूषा एवं रहन सहन को सभी लोग तेजी से अपना रहे हैं। लोग बड़ी गर्व से अंग्रेजी बोलते हैं। विदेशी भाषा भी इनके ऊपर सर चढ़कर बोल रहा है। इससे कवि अपने आप को बहुत ही असहज महसूस कर रहा है। यहाँ के नेता को धोती पहनने नहीं आता है, जो धोती भारतीय संस्कृति की प्रतीक है, तो उनके अंदर भारतीयता कहाँ से आएगा। सभी लोग विदेशी पहनावे की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं जिससे कवि के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। इससे हम कह सकते हैं स्वदेशी दोहे राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत है। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।